गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स. टुडे आई विल टीच यू ज्योग्राफी चैप्टर टू, ग्लोब्स एंड मैप्स. टुडे वी विल कवर दीज टॉपिक्स. नंबर वन ग्लोब, सेकेंड इज मैप, एंड थर्ड इज एटलस, एंड फोर इज डिस्टेंस. फाइव इज डायरेक्शन ऑफ अ मैप, एंड सिक्स इज सिंबल, एंड सेवन इज स्केच, एंड एट इज प्लान. Let we start our chapter. Globe. The earth is represented by a spherical mode called globe. जो spherical mode में होता है वो हमारा क्या होता है, globe होता है. देखिए जैसे कि हमें ये picture दिखा रखा है globe का. This is a picture of globe. Okay. The globe is always mounted on its stand. हमेशा वो स्टैंड पे ही खड़ा होता है. देखिए जैसे इस तरीके से उन्होंने दिखा रखा है कि स्टैंड चाहिए होता है. एक्सेस टाइटल के लिए यू कैन सी दिस पिक्चर. इस पिक्चर को आप देख सकते हैं. दिस इज बिकॉज अर्थ एक्सिस इज टाइटल एट 23.5 degrees, ओके, अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन. द पाथ ऑन विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ये वो बात है जहाँ पे अर्थ रिवॉल्व करता है सन के आसपास. द नॉर्थ एंड ऑफ द एक्सिस इज नॉर्थ नोन एज नॉर्थ पोल. जो नॉर्थ एंड होता है उसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल, एंड द साउथ पोल को कहते हैं साउथ एंड. साउथ एंड को क्या कहते हैं हम, साउथ पोल. नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ ग्लोब्स. ग्लोब्स के फायदे क्या हैं. A globe shows exact shape of the earth, direction, relative sizes and shapes of the oceans, continents, islands and seas. It also shows the correct location of the different places and features in relation to one another. Globes are useful in understanding how days and nights are caused and how we have different seasons over the year. ग्लोब में क्या होता है कि ग्लोब से हमें एक तो एग्जैक्ट शेप पता चल देगी हमारे अर्थ की, एग्जैक्ट शेप क्या होगी, ठीक है. उससे हम डायरेक्शन का पता निकाल सकते हैं, साइजेस का पता निकाल सकते हैं, और शेप्स ऑफ ओशंस का या कॉन्टिनेंट की शेप्स, आइलैंड और सीज. और ये क्या शो करता है, करेक्ट बिल्कुल सही लोकेशन भी शो करता है अलग अलग प्लेसेस की, ओके, जिससे कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में प्रॉब्लम्स ना हो. ग्लोब्स आर यूजफुल अंडरस्टैंडिंग हाउ. ग्लोब से हमें ये भी पता चलता है कि किस तरीके से रात होती है और किस तरीके से कैसे दिन होता है और कैसे रात, ओके, और कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स हमारे सामने आते जाते हैं. लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब्स. अब डिसएडवांटेजेस हैं हमारे किसके, ग्लोब्स के, ओके स्टूडेंट्स. इन स्पाइट ऑफ सो मैनी बेनिफिट्स, अगर बहुत सारे बेनिफिट्स को देखा जाए उन्हें छोड़कर, अ ग्लोब हैज सर्टेन लिमिटेशन ऑल्सो. ग्लोब्स के पास बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं, ओके. अ ग्लोब इज ऑल्सो एक्सपेंसिव, बल्कि एंड डिफिकल्ट टू कैरी. ग्लोब जो है बहुत एक्सपेंसिव होता है, महंगा भी होता है, भारी भी होता है, और हम उसे डिफिकल्ट होता है उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ओके. ऑल्सो ग्लोब कैन नॉट प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट लैंड फॉर्म्स. और किस किस चीज़ों के बारे में डिटेल नहीं देता है ग्लोब, लैंड फॉर्म्स के बारे में, वेजिटेशन, सॉइल, क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में, कि एकदम से मौसम चेंज होगा या अभी ठंड है, अभी थोड़ी देर में गर्मी, बारिश हो जाएगी, इस तरीके की हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देता है हमें ग्लोब. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की भी नहीं देता है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें ग्लोब क्या नहीं देता है, इन्फॉर्मेशंस नहीं देता है. फ्रॉम ऑल दोज, ऑल दीज लिमिटेशन अराइजेज नीड फ्रॉम मैप्स. ये सारी लिमिटेशंस हमें मैप्स में भी मिलती हैं. जैसे कि देखिए मैप, फर्स्टली अ मैप इज रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सर्फेस और अ पार्ट इट्स ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सर्फेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल. जब हम मैप की एक रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, है ना, तो देखिए वो कैसे अर्थ पे हम उसे ड्रॉ करा हुआ देख सकते हैं कि ड्रॉ हो रखा है अर्थ पे मैप, है ना, या फिर हम एक फ्लैट सरफेस पे बना सकते हैं स्केल से, अकॉर्डिंग टू अवर स्केल. और स्केल का जो प्रोपोर्शन हो वो बिटवीन एक्चुअल
ग्राउंड डिस्टेंस और बिटवीन टू प्लेसेस में अर्थ में अर्थ एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेम टू पॉइंट्स ऑन द अर्थ ऑन द मैप मैप में दो पॉइंट्स होंगे बिल्कुल सेम. Thus, if two points at a distance 1 kilometer on the ground are shown 1 centimeter apart of the map, 1 kilometer दिखे ग्राउंड से दिखेगा और हमें 1 centimeter of apart from a map, उससे मैप से 1 centimeter छोड़ना पड़ेगा. Then scale of a map will be 1 centimeter to 1 kilometer. तो scale of a map क्या होगा? 1 centimeter to 1 kilometer. Okay students. Types of maps. Now I will teach you types of maps. कितने कितने types के maps होते हैं. Okay, maps can be many types. It depends on what we want to show through the map. Maps भी अलग बहुत सारे types के होते हैं और ये इस पर depend करता है कि हम map में क्या बताना चाहते हैं या क्या दिखाना चाहते हैं. Firstly we read about political map. A political map shows administrative units in the form of different countries or states with their capitals and the location of important cities and town. Political map administrative units form करता है. जैसे कि देखिए countries के बारे में बताता है, states के बारे में बताता है और उनकी capitals के और location जो है cities की और towns की उनके बारे में बताता है. And this is a figure of political map. Okay students, take out your next page number 14. Physical map. Second is physical map. Physical map shows geographical features such as mountain range, peaks, plateaus, hills, oceans, such as a type of weather, of distribution of forests, industries or people or minerals. Physical map shows geographical features such as mountain, range, peaks, plateau, hill, oceans, seasons and river. Different color are used to show different landforms. Physical map में क्या होता है? Physical map में geographical area, जो हमारे आसपास का geographical area होता है, ठीक है, world का, वो बताता है. जैसे कि देखिए mountain के बारे में, mountain ranges के बारे में बताएगा, उसकी peak चोटी के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में, हिल्स के बारे में, ओशंस के, एक्सेट्रा, रिवर्स, इन सब के बारे में हम किसमें मेंशन करते हैं? फिजिकल मैप में. और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में फॉर्म दिखाते हैं जिससे कि हमें पता चले ये लैंडफॉर्म कहाँ का है और ये लैंडफॉर्म कहाँ का. थर्ड इज थीमेटिक मैप. दीज आर द मैप डेट रिप्रेजेंट पर्टिकुलर फीचर. ये वो मैप होते हैं जो पर्टिकुलर फीचर्स बताते हैं मैप के. पर्टिकुलर फीचर सच एज वेदर के बारे में बताएं या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज, पीपल और मिनरल्स के बारे में जो बताएं. टूरिस्ट मैप. टूरिस्ट मैप पॉइंट आउट करते हैं प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट को, म्यूजियम्स को, मॉन्यूमेंट्स को, एक्सेट्रास. एंड दिस इज अ टूरिस्ट मैप. एंड फर्स्ट ऑन द टॉप इज फिजिकल मैप. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लास्ट is weather map. Weather map show the movement of the weather system, the distribution of rainfall or snowfall areas, equal temperature or air pressure or even wind direction. Weather maps क्या show करते हैं? Weather के बारे में show करते हैं कि rainfall और snowfall कितना हो रहा है या area में जो temperature है वो equal है या कैसा है, air pressure और wind direction के बारे में जो बताते हैं. Atlas क्या होता है? An atlas is a collection of map. एटलस एक वो चीज़ एटलस वो होता है जिसमें मैप का कलेक्शन हो यूजुअली, ठीक है, बाउंड टुगेदर एज अ बुक. उसमें बुक में हम एक बुक में अगर बहुत सारे मैप्स हमारे पास हैं, कलेक्शंस है, तो दिस इज अ एटलस. उसे हम बुक नहीं कहेंगे, मैप बुक नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं एटलस. ओके, बिसाइड मैप्स ऑफ द वर्ल्ड, उसमें चाहे वर्ल्ड के मैप्स हो या सिलेक्टेड कॉन्टिनेंट्स के मैप हो, कंट्रीज, इट मे इंक्लूड इंफॉर्मेशन डायग्राम रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल फीचर्स, पॉपुलेशन डाटा, इन सब के बारे में वो बताता है. और मैप्स जो है यूजुअली प्रिंटेड इन कलर में होते हैं एटलस में. इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, उसमें समझने में हमें और कंपेयर करने में मैप्स को आसानी होती है. It is not possible to
नेक्स्ट इज डिस्टेंस. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक मैप एज लार्जर एज द एक्चुअल एरिया में भी. मैप में ऐसा नहीं हो सकता कि हम अगर हमारी डिस्टेंस बहुत बड़ी है 2000 किलोमीटर समथिंग तो हम इस तरीके से हम उसमें डिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाएं. इस तरीके से हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. अब मैप इज़ अ डिपिक्शन ऑफ अ लार्ज एरिया इन अ लिमिटेड स्पेस. एक मैप में क्या होता है कि एक एक्यूरेट डिस्टेंस लिमिटेड स्पेस बता रखा होता है कि इतना स्पेस दिया जाएगा इतनी डिस्टेंस को. इससे हमें पता लगता है कि इसमें कितना लार्ज एरिया है. सो अ मैप इज ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल, जिसकी वजह से मैप को जरूरत नहीं होती. हाउएवर रिड्यूस स्केल आर सो प्लान दैन एक्चुअल एरिया कैन बी डिपेक्टेड एक्यूरेटली. द स्केल इज अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. स्केल रेशियो क्या होता है? एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड और डिस्टेंस शोन ऑन द मैप के बीच का. फॉर एग्जाम्पल इफ द मार्केट इज एट डिस्टेंस 5 किलोमीटर फ्रॉम योर हाउस, आपके घर से 5 किलोमीटर आपकी मार्केट दूर है. ओके, यू रिड्यूस इट 5 सेंटीमीटर ऑन मैप. आपने मैप पे 5 सेंटीमीटर लेस कर दिया. इट मीन्स 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑन द मैप इज इक्वल टू एन एक्चुअल डिस्टेंस. तो जो हमने 5 सेंटीमीटर मार्क किया है मैप पे, इट मीन्स वो 5 किलोमीटर होगा डिस्टेंस किसका, हमारे मार्केट का, हमारे घर से मार्केट तक का रास्ता. ओके, डायरेक्शन ऑफ अ मैप. ऑल मैप शो डायरेक्शन विद एन अपराइट एरो मार्क. जितने भी सारे मैप्स होते हैं हमारे, उसमें डायरेक्शन शो करता है अपराइट एरो मार्क में या फिर अपराइट हैंड कॉर्नर से. द टिप ऑफ द एरो इज मार्क्ड विद एन. एन से जो डिनोट करे जाते हैं उस एरो में, वो होते हैं हमारे नॉर्थ डायरेक्शन के. सब मैप आल्सो शो डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ कंपास रोस. कुछ ऐसे मैप्स भी होते हैं जो किसकी हेल्प से किए जाते हैं, कंपास रोस की. द फोर मेन डायरेक्शन, हमारे पास आपको पता है फोर मेन डायरेक्शंस हैं, वो कौन कौन से हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. दीज आर मेन डायरेक्शंस, आर द फोर कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ द कंपास. और ये मेन कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं किसके, कंपास के. वी कैन ऑल्सो मार्क इंटरमीडिएट डायरेक्शन. हम इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी मार्क कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट. इफ नथिंग इज गिवन, अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो द अर्थ द नॉर्थ इज यूजली एट द टॉप. तो आप हमेशा मान के चलिए कि ऊपर क्या होगा हमारे, नॉर्थ. ओके, मैप में हमेशा ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, एंड नीचे साउथ, एंड राइट साइड पे ईस्ट एंड लेफ्ट साइड पे वेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, सिंबल्स. हाउ वुड यू शो फीचर्स लाइक टाउन, ब्रिजेस, पोस्ट ऑफिस, रेलवे लाइंस, फॉरेस्ट एक्सेट्रा ऑन मैप. ये चीज़ें हम सारी मैप पे कैसे दिखा सकते हैं? यू विल हैव टू शो देम बाय यूजिंग सर्टेन कलर. या तो आप उनके लिए सर्टेन कलर चूज करके रखेंगे, या फिर कोई सिंबल या फिर कोई लेटर हम उनके लिए चूज करके रखेंगे. बिकॉज देयर इज नो इनफ स्पेस इन द मैप टू एक्चुअली ड्रॉ देम. मैप में इतना स्पेस नहीं होता कि हम उसमें ट्रक, कार, इस तरीके की ड्रॉ कर सकें. ओके स्टूडेंट्स, यू विल हैव द कॉमन साइन आर सिंबल्स दैट आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एंड यूज इन मैप्स कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल. इसे इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है कि सिंबल्स को अगर हम यूज करेंगे इन ट्रांसपोर्ट वगैरह, इन सब के लिए, पोस्ट ऑफिस, ब्रिजेस, टाउन्स के लिए, तो हम इसे क्या कहते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स. कलर यूज़ करे जाते हैं मैप में, ठीक है, गुड लुक के लिए, जिससे कि मैप में गुड लुक आए. एंड ऑल्सो प्रोवाइड डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, जिससे कि हमें इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली एकदम से अगर हम मैप देखें तो हमें एकदम से पता चल जाए कि क्या है, ये टाउन है या पोस्ट ऑफिस है. डिफरेंट कलर्स यूज़ करे जाते हैं हर एक स्पेसिफिक फीचर के लिए. फॉर एग्जाम्पल ब्लैक इंडिकेट किया गया है जैसे कल्चरल फीचर के लिए. कल्चरल फीचर के लिए हमने क्या यूज़ किया है, ब्लैक.
ओके, लाइक बिल्डिंग, रोड, रेलवे लाइन्स एक्सेट्रा. और ब्लू इंडिकेट किया है हमने किसके लिए? वाटर फीचर्स के लिए, सीज, ओशंस, लेक्स. ग्रीन इंडिकेट किया है हमने किसके लिए? प्लेन फॉरेस्ट, देखिए ऊपर आपको दिखा रखा है इसमें ऑन द टॉप. ब्राउन इंडिकेट किया है हमने माउंटेन वगैरह के लिए. ओके, नेक्स्ट इज स्केच. अ स्केच इज अ ड्राइंग. स्केच एक तरीके की ड्राइंग है जो बेस्ड होती है मेमोरी पे या स्पॉट ऑब्जर्वेशन पे. स्केच हेल्प करता है हमें अननोन प्लेस को बताने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, यू टू गो योर फ्रेंड स्कूल. अगर तुम अपने दोस्त के स्कूल गए हो बट डोंट नो द वे, आप उसका रास्ता नहीं जानते हो. योर फ्रेंड मेक अ रफ ड्राइंग. आपके फ्रेंड ने मेक सिंपली ड्राइंग बना के दे दी कि आपको इस तरीके से राइट जाना है, फिर लेफ्ट, फिर सीधा, फिर राइट, लेफ्ट, राइट. इस तरीके से आपको एक सिंपल स्केच बना कर दिया. तो इस तरीके से आप कहाँ पहुँचेंगे? उसके स्कूल. नेक्स्ट इज प्लेन. अ प्लेन इज अ डिटेल ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल. एक प्लेन एक स्मॉल ड्राइंग होती है जो लार्ज स्केल पे की जाती है. इफ़ यू वांट टू शो योर स्कूल बिल्डिंग टू योर फ्रेंड, अगर आप अपने फ्रेंड को एक अपनी बिल्डिंग दिखाना चाहते हो स्कूल की, तो यू वुड लाइक टू शो असेंबली हॉल. आपको पहले क्या करना पड़ेगा? असेंबली हॉल, द सिक बे, लैंग्वेज लैब, ये सब आपको बतानी पड़ेगी. एंड वेरियस अदर फीचर ऑफ योर स्कूल, आपको अपने स्कूल के अदर फीचर्स भी बताने पड़ेंगे. यू वुड बी इंटरेस्टेड टू शो हाउ बिग योर क्लासरूम. और फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अपना क्लासरूम भी बना कर दिखाना पड़ेगा. फॉर दिस यू वुड रिक्वायर अ प्लेन एंड नॉट अ मैप एज यू आर इंटरेस्टेड टू शो स्मॉल डिटेल टू योर स्कूल. आपको इसे दिखाने के लिए मैप की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ एक आप उसे प्लेन उस पर दिखा सकते हैं कि लेंथ ब्रेथ आपकी कितनी है रूम की. द स्केल ऑफ अ प्लान इज डिफरेंट फ्रॉम डैट मैप. जो स्केल होता है प्लान का वो बहुत डिफरेंट होता है मैप से. जनरली मैप रिप्रेजेंट करता है एरिया को, सो इट इज़ ड्रॉन ऑन स्मॉल स्केल. तो वो किस पे बनाया जाता है? स्मॉल स्केल पे बनाया जाता है. 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप मे रिप्रेजेंट 100 किलोमीटर. 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 100 किलोमीटर को मैप में. ऑन द ग्राउंड ऑन द अदर हैंड अ प्लेन रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल एरिया एंड देयर फॉर ड्राइंग अ लार्ज स्केल. 1 सेंटीमीटर उसमें होता है 1 मीटर. ओके, जिस तरीके से देखिए, दिस इज़ अ प्लान ऑफ अ स्कूल उन्होंने दिखा रखा है. ओके, रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. थैंक यू.